आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। बहुत ही चिंताजनक खबर आ रही है जनपद सिद्धार्थनगर से, जहां पर इटवा बढ़नी रोड वार्ड नंबर 8 गुरु गोविंद सिंह नगर मोहल्ले में जाने वाले रास्ते में भरा पानी व नाले का गंदा पानी, रहवासियों को आने जाने में हो रही है दिक्कत, पानी से पैदल निकलना हुआ मुश्किल, जल जमाव की समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। इस संबंध में जब हमारी बात ईओ इटवा जितेंद्र सिंह यादव से हुई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही निस्तारण कर दूंगा। आइए देखते हैं हमारी ये चिंताजनक रिपोर्ट। साहब को हमने जो तहसील दिया उसमें दिया, लिखित रूप से दिया, तो माननीय एडीएम साहब ने जो है निर्देशित किया जो है जिला नगर पंचायत को कि आप एक हफ्ते के अंदर वहाँ का जितनी समस्या है उस समस्या को आप समाधान करें, अन्यथा तुम जो है दंडित होने के लिए तैयार रहो। फिर भी 15-20 दिन बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो है फिर हमने अवगत कराया एडीएम महोदय को, लेकिन ये जीसीबी आई है और जो है नाली का पानी तो इसी में जा रहा है, और जो जीसीबी को जो है साफ करना चाहिए जो है नाली, और वो थोड़ा माटी हटा के अपना चले गए हैं। छोटी जीसीबी की यहाँ ज़रूरत है, वो आ नहीं रही है, यहाँ है नहीं। अब एसडीएम महोदय को चाहिए कि जो है मंगवा लें जीसीबी, मंगवा के और पूरा नाली साफ करवाएं, तभी समस्या का समाधान होगा। और यहाँ होम पाइप के अलावा पुल बनना चाहिए, जब तक पुल नहीं बन रहा कम से कम बड़ी होम पाइप लग जाए, यहाँ होम पाइप बड़ी लग जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इस गली का सड़क तो एकदम नाली और नाला बन चुका है, गंदा पानी आ रहा है, लेटरिन का पानी इसमें आ रहा है, पूरे चौराहे का पानी इसी गली में आ रहा है। चौराहे से आज तक कम से कम तमाम लोग जो है हमारे घर पे जाके जो है धरना प्रदर्शन दे रहे थे, अनाप शनाप बातें कर रहे थे। मैंने लोगों को समझाया कि नाली का पानी काट दो, पानी निकल जाए, फिर समस्या का समाधान किया जाएगा।